जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से सभी का स्वागत। और आज के इस वीडियो में शुरू करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज की सेकंड एक्सरसाइज। भैया जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें हम लोगों ने पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10th में जो पढ़ा था ना, सेम वही चीजें क्लास 11th में भी होंगी। तो देखो, आता है आप लोगों को एपी, आता है, बढ़िया से आता है, ठीक है। बस एक बार फटाफट से एक बार रिवाइज करने की जरूरत है कि क्या क्या कॉन्सेप्ट क्लास 10th में हम लोगों ने देखे थे, उनको एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं, फिर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ओके, देखिए बात करते हैं एपी की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। जब हम बात करते थे मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर हम कहते थे कि ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होता था। एपी या तो इंक्रीज हुआ करती थी या फिर वो डिक्रीज हुआ करती थी। एपी जब इंक्रीज होती थी तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होता था, एपी जब डिक्रीज होती थी तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हुआ करता था। तो देखो ऐसा है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पर एक एपी मैं आपके सामने लिख रहा हूं, मैं लिखता हूं 6, 6 में प्लस करो 2, 8, 8 में प्लस करो 2, 10, 12, 14, इस तरह से चलता रहेगा। भाई 6, 8, 10, 12 सबके बीच का डिफरेंस कितने का है? 2 का डिफरेंस है ना। ऐसी भाई मैं आपसे कहता हूं 15, 12, 9, 6, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिक्रीज हो रहा है इस बार, लेकिन डिफरेंस देखो, डिफरेंस तीन का है, नजर आ रहा है ना। तो दोस्तों ये क्या हमारे लिए एपी, दोनों ही एपी में जब हम बात कर रहे हैं तो दोनों ही एपी में देखो हर दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है दोस्तों। तो ये एपी की खास बात होती है यार, ठीक है ना। अब देखो ऐसा है, ये जो 6 होता है इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, 8 जो होता है इसको सेकंड टर्म बोलते हैं, 10 जो है वो थर्ड टर्म है। ऐसे यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड इसी तरह से चलता रहता है आगे। अगर मैं आपसे बोल दूँ कि A2 में से माइनस कर दें A1, A2 से माइनस कर दें A1, 8 से माइनस कर दो 6, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। वो जो 2 है भैया वो हमारे लिए होता है डी बोले तो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ऐसे अगर मैं बोलूं यहां पर इस वाली एपी में कॉमन डिफरेंस कितना है, तो भैया 3 मत बोलना, 3 बोलोगे तो भैया नंबर कट जाएंगे, है ना। तो भैया 3 नहीं है, हमेशा सेकंड टर्म में से माइनस की जाएगी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म में से माइनस करो फर्स्ट टर्म, तो 12 में से 15 माइनस करो। ये भैया कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आने का मतलब एपी इंक्रीज नहीं हो रही है, ये भैया टर्म्स इसमें डिक्रीज हुए जा रहे हैं लगातार, ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है भाई। तो ये हमारी एपी होती है दोस्तों। तो देखो ऐसा है ना, एपी में भाई लोग अगर हम बात क्या करें, ए स्मॉल ए की बात करें, तो स्मॉल ए के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है हमारा फर्स्ट टर्म, ठीक है। अगर मैं बोलूं nth टर्म, तो nth टर्म an, अब ये nth टर्म हमारे लिए क्या हो सकता है, a2 हो सकता है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, कोई सी भी टर्म हो सकती है, ठीक है। यहाँ एन की जगह नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी आप पुट कर सकते हो भाई, ठीक है। ओके, फिर इसमें एक चीज आई कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस नाम की चीज आई ना, कॉमन डिफरेंस क्या भाई सर, डी के जरिए कॉमन डिफरेंस रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस डी को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, सेकेंड टर्म में से माइनस कर दिया जाता है फर्स्ट टर्म को। अब देखो जरूरी नहीं है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, तुम्हारा मन है तो थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को भी माइनस कर सकते हो, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को भी माइनस कर सकते हो। मतलब यहां पे जो भी लिख रहे हो, यहां पर एक कम, और मान लो यहां पे तुम n लिख रहे हो, तो यहां क्या आ जाएगा, a n माइनस 1, इस n से एक कम, 4 से एक कम, 3 से एक कम, 2 से एक कम, एक लेस, ठीक है। तो इसके जरिए हम कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं भाई, याद रखिएगा इस चीज को। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, चलो ये भी याद रख लेंगे। फिर अब देखो ऐसा है ना, एपी कैसे दिखती है भाई, बढ़िया दिखती है भाई। फर्स्ट टर्म होता है, सेकंड टर्म होता है, थर्ड टर्म होता है, फोर्थ टर्म होता है, ऐसे कई सारे टर्म्स होते हैं ना उसमें। अब देखो जैसे मैंने आपसे बोला ये 6 है, ठीक है सर, ये क्या 8 है, तो आप बोलोगे यस, ये 6 जमा 2 है, ये 10 है, आप बोलोगे यस, ये 6 जमा 4 है, ये 12 है, आप बोलोगे यस, ये 6 जमा 6 है। तो देखो ऐसा है ना भाई, जो फर्स्ट टर्म होती है एपी हमारी, फर्स्ट टर्म ए होती है, ठीक है। सेकंड टर्म कैसे निकलेगी, सेकंड टर्म निकालने के लिए भैया याद रखो, सेकंड टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस प्लस करना पड़ता है। फर्स्ट टर्म में प्लस करोगे कॉमन डिफरेंस ए प्लस डी,
सही बात है। अगर मैं बोलूं थर्ड टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म कैसे निकालोगे, तो सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ना पड़ेगा। सेकंड टर्म इस a प्लस डी में d जोड़ो, दोबारा से इस a प्लस डी में d जोड़ो भैया, तो a प्लस का क्या बन जाएगा, 2d आ जाएगा। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि एक ap है, उस ap में फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस 5 है, बताओ ap क्या होगी। तो तुम सब बच्चे फट से बोलोगे 3, 8, 13, 18, यही तो बोलोगे। कैसे बोलोगे भैया, 3 लिख दिया, 3 में 5 जोड़ा 8, 8 में 5 जोड़ा 13, 13 में 5 जोड़ा 18, ऐसे चलता रहता है। तो भैया मैं कह रहा हूँ फर्स्ट टर्म है a, इसमें d जोड़ो तो a प्लस डी, इसमें d जोड़ो तो a प्लस 2d, इसमें d जोड़ो तो a प्लस 3d, एंड ऐसे सो ऑन भैया ये चलते रहता है। तो देखो इसके आधार पर भाई क्या बोल सकते हो कि a फर्स्ट टर्म d कॉमन डिफरेंस। मैं आपसे बोलूं कि सेकंड टर्म क्या थी, तो तुमने बोला a प्लस डी। थर्ड टर्म क्या थी, तुमने बोल दिया a प्लस 2d। थर्ड टर्म देखो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। मैं आपसे बोलूं फोर्थ टर्म क्या है, तो तुमने बोल दिया a प्लस 3d। देखो ऑब्जर्व करो भैया, हर टर्म में a तो होता ही है, a तो होता ही है। अब जैसे यहां लिखा हुआ है 4, तो d कितनी बार मिला, 3 बार। यहां लिखा है 3, तो d कितनी बार मिला, 2 बार। d हमेशा एक कम बार मिलता है। मान लो मैं बोलता हूं 8, 10, तो क्या बन जाएगा, a प्लस 9d। मतलब a तो होगा लेकिन d जो होगा वो एक कम बार होगा। मैं बोल रहा हूं a 100, तो क्या लिखोगे, a प्लस 90, 90। अगर मैं बोलूं a n, तो क्या बोल दोगे भाई, a प्लस इससे एक कम, जैसे यहां 100 है तो 100 से एक कम 99, यहां 10 है तो 10 से एक कम 9, यहां n है तो n से एक कम। और मेरे दोस्तों किसी भी एपी में nth टर्म को फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया। आप इसको nth टर्म कह सकते हैं, कुछ बच्चे इसको nth टर्म ना बोलकर, कुछ बच्चे इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। मैं इसको nth टर्म बोला करूंगा कि nth टर्म को फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो गया a प्लस में n माइनस 1d। अब ये हो गया। अब देखो ऐसा है ना, क्लास 11th में मेरे दोस्तों आप लोगों ने एक बात और सीखी थी कि देखो ये नोट कर लिया हो आप लोगों ने, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें साथ साथ नोट करते रहना भाई लोग। अब nth टर्म तुम लोगों ने निकाल दिया, ठीक है। अब सम टू n टर्म्स, n टर्म्स तक का समेशन। तो मेरे दोस्तों होता क्या है ना, जैसे अगर मैं बोलूँ किसी ap में a1 और a2 को अगर प्लस करूँ, पहली दो टर्म को प्लस करूँ तो उसे बोलते हैं s2। अगर मैं बोलूँ पहली 3 टर्म को प्लस करें तो उसे बोलते हैं S3। पहली 10 टर्म्स को मैं प्लस कर दूं तो इसे बोलते हैं S10। ऐसे चलता रहता है। अब जैसे मान लो 10 टर्म्स ना हो, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, एंड ऐसी n टर्म्स को, पहली n टर्म्स को प्लस कर दो तो इसे बोला करते हैं भाई Sn। Sn का मतलब पहली टर्म से लेके nth टर्म तक के सभी नंबर्स को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा, Sn आएगा। अब इस Sn को फाइंड करने के लिए भाई एक फॉर्मूला आप लोगों ने क्लास 10th में डिराइव किया था, ठीक है ना। जिसने डेरिवेशन देखनी होगी मेरी क्लास 10th की एपी वाली वीडियो देख लेना, वहां पर मैंने समझा रखा है। बाकी देखो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है वो जरा समझ लीजिए। जब भी Sn फाइंड करना हो तो फर्स्ट टर्म में nth टर्म को प्लस कर दिया जाता है, ये चीज भैया आप लोगों ने रखनी है याद। जैसे मैं आपसे बोलूं कि पहली 10 टर्म्स का समेशन क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, n की जगह 10 पुट कर देंगे, फर्स्ट टर्म तो लिखेंगे लेकिन अब an की जगह क्या लिखोगे, तो यहां पे जैसे 10 है ना, तो आपने यहां पे 10th टर्म लिखनी है, ठीक है। पहली टर्म में 10th टर्म जोड़नी है। अगर मैं बोलूं पहली 20 टर्म्स का समेशन क्या होगा, पहली 20 टर्म्स का, तो आपने 20/2 लिख देना है, जैसे n बाई 2 है ना, तो 20/2 लिख देना है। और फर्स्ट टर्म में देखो यहाँ 20 लिखा हुआ है, यहाँ n लिखा हुआ है, तो यहाँ पे n 20th टर्म को, यानी कि ये आपकी लास्ट टर्म होगी, उसको प्लस कर देना है भाई। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब ये याद है भाई तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद तो अब याद कर लेना भैया, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो Sn है, Sn, Sn में देखो n बाई 2। अब देखो an का फॉर्मूला क्या होता है भाई, an का फॉर्मूला तो आप सभी बच्चे जानते हैं, an का फॉर्मूला वो रहा भैया a प्लस n माइनस 1d। तो भाई लोग Sn हमारा बन जाएगा n बाई 2 a प्लस a, 2a प्लस
एन माइनस वन डी, और ये हमारा एन टर्म्स के समेशन को फाइंड करने के लिए, एन टर्म्स के समेशन को फाइंड करने के लिए भैया हमारा फॉर्मूला बन गया। तो ये चीज़ को भी भैया याद रखेंगे तो आपका भला होगा बेटा, आपका उद्धार होगा, आपका बेड़ा पार होगा। ओके, अब देखो जैसे देखो क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, जैसे देखो टेंथ में कैसे क्वेश्चन थे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन कि एक एपी है 2, 8, 14, ठीक है, फाइंड टेंथ टर्म, फाइंड सम टू टेन टर्म्स, सम टू 20 टर्म्स। तीन चीजें इस क्वेश्चन में पूछ ली गई, एक एपी दे दी, एपी में पहले पहले तो ये बताना है कि जैसे पहले नंबर पे 2 है, दूसरे नंबर पे 8 है, तीसरे नंबर पे 14 है, तो 10वें नंबर पे क्या आता होगा। अब ऐसे तो करते नहीं रहेंगे ना, 20, 26, 32 ऐसे तो करते नहीं रहेंगे, तो वैल्यू क्या करते हैं हम, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। ए जैसे 2 है, कॉमन डिफरेंस कितना है भाई, कॉमन डिफरेंस फॉर्मूला बताया था, सेकेंड टर्म में से माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म, 8 में से 2 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। पहले पार्ट में क्या पूछा भाई, पहले पार्ट में पूछा 10th टर्म, 8, 10 पूछा है, 10th टर्म, 10वीं टर्म क्या है, 10वें नंबर पे क्या आता होगा, तो फॉर्मूला लगा लेंगे a प्लस 10 में से 1 कम 9d। अब a की वैल्यू कितनी है भैया 2, 9, d की वैल्यू कितनी है भाई 6, 9, 6, 54 और 2, अपन का जो आंसर आ जाएगा भैया वो आ जाएगा 56। बात समझ में आ रही मेरे दोस्तों, अपन का आंसर आ गया 56। ओके ठीक है सर, फिर इसने क्या बोला, समेशन फाइंड करो, सम टू 10 टर्म्स, पहले 10 टर्म का समेशन फाइंड करो ऐसे। तो देखो यार ऐसा है ना, फॉर्मूला है ना तुम्हारे पास n बाई 2, तो लगाओ भैया 10 बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस 10th टर्म, तो 10 बाई 2 तो 5 होता है, फर्स्ट टर्म कितनी है भैया 2 है, 10th टर्म हमने अभी निकाली 56 है भैया, तो 5 × 56 अरे बन जाएगा 58, 5, 8, 40, 0, 4, 5, 25 और 4, 29, तो अपन का आ गया 290, यानी उन सभी टर्म्स को जोड़कर 290 आ जाएगा। कुछ कैलकुलेशन भाई गलत हो सकती है, ठीक है ना, वो तुमको देखना, ठीक है ना। ओके ठीक है, समेशन हो गया 10 टर्म्स का। अब इसके थर्ड पार्ट ने एक बात और बोल दी भाई, जिसने और क्या बोल दिया कि समेशन फाइंड करो 20 टर्म्स तक का, ठीक है, 20 टर्म्स तक का समेशन फाइंड करना है भाई एस 20। अब देखो ये ऐसा है ना, जब से 10 टर्म्स का समेशन पूछा था तो मुझे 10th टर्म तो मालूम थी, तो मैंने भैया ये वाला फॉर्मा लगा दिया, बट इसने अब समेशन पूछा 20 टर्म्स का, तो 20th टर्म क्या है मैंने फाइंड किया ही नहीं है, या तो पहले फाइंड करो तब ये फॉर्मा लगा लो, अगर नहीं फाइंड कर रखा है तो तुम ये फॉर्मा लगा लो भैया एस एन का एस 20, तो एन की जगह 20 रख दो, 20/2, 2a + 20-1 यानी 19d, अब ये बन जाएगा 10, a की जगह भैया 2 और d की जगह आ जाएगा 6, 2×2=4, 19 से कितना होता है भाई 114, अब भाई 19 का पहाड़ा याद है ना भाई, और 118 बन जाएगा 1180, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ भाई कैलकुलेशन की मेरी गारंटी नहीं है, ठीक है ना, कैलकुलेशन तुम्हारे बल्ले है, ठीक है, मेरा काम कॉन्सेप्ट समझाने का है, मेरी कैलकुलेशन वीक है भाई, ठीक है, तो ठीक है ये चीज़ आप लोग याद रख पाओगे। तो ये क्वेश्चन में यहाँ पर हमारा हो जाता है समाप्त। तो देखो अब तक मैंने आपको क्या सिखा दिया, nth टर्म कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको याद दिला दिया, आता आपको पहले से, समेशन ऑफ n टर्म्स कैसे फाइंड किया जाता है वो भी मैंने आप लोग को याद दिलाया है, ठीक है। अब हम चल रहे हैं भाई आगे। अब देखो बच्चों जरा समझना बात को, देखो जब मैं आपसे बोलता हूँ कि A1 में A2 प्लस करो और A3 प्लस करो, तो जो चीज़ मिलती है उसको क्या बोलते हैं, S3 बोलते हैं। अगर मैं बोलूँ A1 में A2 जोड़ो, तो जो चीज़ मिलती है उसको क्या बोलते हैं, S2 बोलते हैं। अगर मैं बोलूँ सिंपल A1, तो उसको क्या बोला करोगे भाई, A1 बोला करोगे, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, यहाँ से लेकर यहाँ तक सबको ऐड करके क्या आता है, S4। यहाँ से लेकर यहाँ तक सबको ऐड करके क्या आता है, S3। यहाँ से लेकर यहाँ तक सबको ऐड करके क्या आता है, S2। और सिर्फ इसको क्या बोलते हैं, S1 बोलते हैं। अब जरा सुनना, अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि S2 में से S1 घटा लो, S2 यानी A1 प्लस
A2 में से S1 यानी A1 माइनस कर दो तो क्या आएगा भाई, A2 आएगा, ठीक है। और मैं बोलो S3 में से S2 माइनस कर दो, S3 का मतलब क्या है, A1 प्लस A2 प्लस A3, माइनस क्या करना उसमें से S2 यानी A1 प्लस A2। तो आप देख सकते हैं A1 और A2 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या हमारे पास, A3 बचेगा। तो भाई याद रखने वाली बात अब सुन लो, जो चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा A होता है वो S1 के इक्वल होता है, ठीक है। A हमारा किसके इक्वल होता है, S1 के इक्वल होता है। मैं अगर आपसे बोलूँ कि A2 किसके इक्वल होता है तो समझ लेना भैया S2 माइनस S1 के इक्वल होता है, S2 माइनस S1 किसके इक्वल होता है, A2 के इक्वल। अगर मैं कहूँ A3 किसके इक्वल होता है तो S3 माइनस S2 के इक्वल होता है भाई, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। If Sn is given in terms of n, then find S1, S2 and S3। तब S1, S2 और S3 find करो, और जब ये find कर लोगे भाई आप लोग, तो उसके बाद A, A2 और A3 पूरी AP आप लोग बना सकते हो। अगर नहीं समझे भाई तो आप समझ जाओगे, देखो टेंशन वाली बात नहीं है कि मैंने क्या बोल दिया, अभी पल्ले पड़ेगा, निश्चिंत रहो। देखो भाई एक क्वेश्चन तुम्हारी बुक का है, NCERT एक्सरसाइज 9.2 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस वाले वीडियो में थोड़े आसान आसान वाले क्वेश्चन निपटाऊंगा, ठीक है, फिर अच्छे क्वेश्चन की तरफ भी चलेंगे। देखो बालकों, जैसे आपकी बुक में क्वेश्चन दे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13, 9.2 की बात कर रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका होगा। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, इफ द सम ऑफ n टर्म्स का जो समेशन है एक एपी में, तो वो किसके इक्वल है, वो इक्वल टू है 3n स्क्वायर प्लस 5n के इक्वल है, ठीक है। एंड इट्स mth टर्म, एंड mth टर्म am किसके इक्वल है, 164 के इक्वल है। क्या कहते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, नाउ दिस m इज क्वेश्चन मार्क। अब ये बोल दिया भैया इसको फाइंड करो, तो ठीक है कर लेंगे भैया, ऐसी टेंशन वाली क्या बात है, क्वेश्चन आसान है। देखो ये चीज़ आपने नोट कर ली होगी, मैं मान रहा हूँ। देखो भाई लोग ऐसा है, Sn दे रखा है ना, इसके जरिए S1 निकालो, S1 यानी n की जगह 1 पुट कर दो, तो बनेगा 3 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 8। मैं बोलो S2 निकालो, S2 तो n की जगह 2 रख दो, 2 का स्क्वायर 4 × 3 = 12, 12 × 10 क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। S1 S2 दोनों आ गए ना। अब मेरे को एक बार बताओ, A किसके इक्वल होता था, आप बोलोगे S1 के इक्वल होता था, S1 किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है, ठीक है। अच्छा बताओ भाई A2 किसके इक्वल होता है, आप बोलते हो S2 माइनस S1 के इक्वल होता है। S2 की वैल्यू क्या निकली भाई, 22, S1 की वैल्यू क्या निकली, 8। बताओ भाई A2 भी निकल गया कि नहीं निकल गया। अगर मैं बोलूँ कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल है, कॉमन डिफरेंस तो आप क्या बोलोगे, A2 माइनस A1 यानी 14 में से माइनस कर लोगे 8, आंसर D भी निकल गया कितना, 6। यानी आपकी AP बन गई ना भाई, AP बनाना हो तो AP बना सकते हो, 8 6 14 6 20 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, AP बन गई। अब इसने बोला AM, नाउ mth टर्म, अब इसमें भाई अब जो है हमारा AM किसके इक्वल है, AM है 164 के इक्वल। अब AM हमारा 164 के इक्वल है, AM 164, तो M निकालना है ना, तो AM का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस M माइनस 1D, वो 164 के इक्वल है। अब A की वैल्यू है 8, M माइनस 1, D की वैल्यू है 6। अब ये M माइनस 1 यहीं रहेगा, 6 भी यहीं रहेगा, 164 से 8 माइनस कर दोगे बन जाएगा 156। अब देखो 6 से 156 कैंसिल, 6 × 12 6 × 6 36, और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 27। तो देखो ये क्वेश्चन हमारे इस तरह से समाप्त होंगे। अब देखो इसके जैसे देखो आपके NCERT में एक क्वेश्चन और है दोस्तों, जैसे आपकी बुक में है क्वेश्चन नंबर 8, उसमें देखो क्या बोला गया है, एक बार पढ़ते हैं उसको भी, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया आपके क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि
इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, यहां पर भी एन टर्म्स का सम दे रखा है, पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। फिर कहता है कि वेयर पी एंड क्यू आर सम कॉन्स्टेंट, नाउ फाइंड द कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मेरे दोस्तों सेकेंड टर्म में से माइनस करना पड़ता है फर्स्ट टर्म, और सेकेंड टर्म निकालने के लिए दोस्तों आप लोगों को एस टू में से एस वन को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है नाउ, तो एक काम करो, पहले एस वन निकालो, एस वन तो पी वन क्यू वन का स्क्वायर, तो p प्लस क्यू, एस टू निकालो, एस टू तो p टू प्लस क्यू टू का स्क्वायर, तो टू पी प्लस में फोर क्यू आ गया। तो देखो अब ऐसा है ना, एस टू ये रहा आपके पास, टू पी प्लस फोर क्यू, और एस वन यानी कि p प्लस क्यू। तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टू पी माइनस पी पी, फोर क्यू माइनस क्यू थ्री क्यू, ये आपके लिए ए टू आ गया। अब नाउ हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है डी, और डी निकालने के लिए चाहिए होता है ए टू माइनस ए वन। ए टू की वैल्यू तुम्हें निकाल दी पी प्लस थ्री क्यू और ए वन, और आपको मालूम है एस वन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ए वन बोलते हैं, वो किसके इक्वल है, पी प्लस क्यू के इक्वल। तो देखो पी से पी कट जाएगा, थ्री क्यू माइनस क्यू क्या बन जाएगा, टू क्यू आ जाएगा। तो ये तरीका हो गया भाई, तो इसको भी आप लोग दोस्तों याद रख सकते हैं। ओके अब देखिए ये चीज़ आप लोग समझ गए, सबमिशन वाला फंडा आप लोग समझ चुके हैं। अब देखो आपके एनसीईआरटी में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे मतलब आसान क्वेश्चन है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, मैं इसमें हिंट बताऊंगा ओनली। देखो सबसे पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, 9.2 की बात कर रहा हूँ। कहता है कि फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001, एक से लेकर 2001 तक कितने ऑड इंटीजर, जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं उनका समेशन क्या होगा। फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम, यानी वन को भी इंक्लूड करना है, कहां तक, 2001 तक। ऑड इंटीजर्स तो देखो 1, 3, 5, ठीक है ये हो गया। अब आपको ये तो मालूम है कि ये हमारे लिए फर्स्ट टर्म है, ये हमारे लिए इधर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, और वो 2001 वो कौन से नंबर पे आ रहा है वो मुझे मालूम नहीं है। तो ए एन हम मान लेते हैं 2001, तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी, तो ए की जगह वन, एन माइनस वन डी, तो देखो यहाँ सॉल्व करिए डी आ जाएगा, और डी भी दे रखा है क्वेश्चन में, डी दे रखा है, यहाँ सॉल्व करके एन आ जाएगा, 2001 माइनस एक 2000 बटे 2000, और एन की वैल्यू आ जाएगी 1001, एन आ गया भाई। अब निकालना क्या क्वेश्चन में, हमें फाइंड करना समेशन, तो एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाय टू, जब लास्ट टर्म मालूम हो तो एन कितना बेटा 1001 है, ए की वैल्यू है 1 और एन की वैल्यू है 2001, तो ये कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर सकते हैं यार। जैसे ये क्वेश्चन, जैसे ये ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर टू में क्या है भाई, कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 and 1000, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 and 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 की बात कर रहे हो, तो भैया पहला मल्टीपल ऑफ 5 हो जाएगा 105, दूसरा हो जाएगा 110, फिर हो जाएगा 115, और ऐसे ही चलेगा भाई ये कहाँ तक, क्योंकि इसमें बिटवीन बोला था यानी जाएगा कहाँ तक, 995 तक। तो इसमें भी पता है ए फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस 5, और लास्ट टर्म भी मालूम है। तो सबसे पहले काम फाइंड करना एन, जब एन मिल जाएगा तो फाइंड करना एस एन। ठीक है दोस्तों, ओके सर। तो देखो यार ये सब क्वेश्चन में आप लोग को दिक्कत नहीं आने वाली है, ये सब आसान क्वेश्चन है। ठीक है अब इसमें देखो एक चीज याद रखना, कई बार क्या होता है ना, कई बार कह देते हैं कि इफ सम ऑफ थ्री टर्म्स इज गिवन, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं सम ऑफ थ्री टर्म्स इज ऑफ एन एपी, नाइन
एंड देयर प्रोडक्ट इज 15. फाइंड द टर्म्स, बताओ तीन टर्म्स क्या होंगे. ये आसान क्वेश्चन है, टेंथ पे आप लोगों ने कर रखा होगा. ठीक है, कोई एपी में कोई तीन टर्म्स है, पता नहीं क्या है, पर उन्हें जब मैं ऐड करता हूँ तो ऐड करके मुझे मिलता है 9, और जब मैं तीनों की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मल्टीप्लाई करके कितना मिलता है, 15 मिलता है. तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में देखो हम क्या होते हैं, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी एपी माना करते हैं. पहला जो टर्म है, फर्स्ट टर्म माना करते हैं a माइनस डी, राइट. अब इस a माइनस डी में आप d प्लस करो, इसमें d प्लस करोगे तो d कट जाएगा, ओनली क्या बचेगा a. जब इसमें भी d प्लस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, a प्लस डी. तो आपकी ap ये होनी चाहिए भाई, आपकी ap ये माननी है आप लोगों ने, इससे आपकी कैलकुलेशन ईजी होगी. कैसे ईजी होगी, देखो पहले तो लिख लो, लेट a माइनस डी a एंड ए प्लस डी बी द रिक्वायर्ड टर्म्स. तीनों टर्म्स को मैंने क्या मान लिया, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी. ठीक है, अब जरा सोचिए, जब मैं इन तीनों को प्लस करूंगा तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 9 के इक्वल आना चाहिए भाई. तो आप देख सकते हैं डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ये चीज आसान होगी ना. देखो अब यहां से 3a जो है वो 9 के इक्वल, और 3 से 9 कट जाएगा, a की वैल्यू 3 आ जाएगी. अच्छा ये समझ पाए हो ना, देखो ये ap है, ये भी कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर ये कैसे ले लिया आपने, भाई ये भी तो ap है. जनरली आप क्या करते हो, फर्स्ट टर्म a मानते हो, सेकंड टर्म इसमें d जोड़ते हो a प्लस डी मानते हो, थर्ड टर्म इसमें d जोड़ते हो a प्लस 2d मानते हो. तो तुम तीन टर्म ये लेते हो ना, मैंने क्या बोला, इससे पहले क्या रहा होगा, ए माइनस डी तो रहा होगा. तुम इन तीन को ना लेकर अपनी तीन टर्म ये ले लो यार, इससे क्या होगा, बस तुम्हारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी. जब इन तीनों को प्लस करोगे तो कुछ भी कैंसिल नहीं होना, इन तीनों को प्लस करोगे तो डी से डी कैंसिल होना है. तो बेटर क्या है, अपनी फर्स्ट टर्म ए ना मानकर क्या मानो, ए माइनस डी मानो, इसमें डी जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, इसमें डी जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है. आप देख सकते हैं, देखो इसलिए इजिली हमको ए मिल गया, सेकेंड टर्म है ये हमारे लिए, सेकेंड टर्म मिल गया. अब प्रोडक्ट भी दे रखा है भाई, प्रोडक्ट एंड a माइनस डी a और a प्लस बी, प्रोडक्ट किसके इक्वल है भाई, प्रोडक्ट 15 के इक्वल है. तो देखो a किसके इक्वल था भैया, 3 के इक्वल है, 3 माइनस डी 3 और 3 प्लस डी 15 के इक्वल, 3 से ये 15 कैंसिल हो जाएगा 5, और इसमें और इसमें a माइनस डी a प्लस बी लगा लोगे 3 माइनस डी और 3 प्लस डी 9 माइनस डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4, डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2. तो दो केस बनेंगे, एक बार डी 2 के इक्वल होगा, एक बार डी माइनस 2 के इक्वल होगा. तो देखो हमें तो एपी चाहिए ना, एपी, एपी में पहली टर्म क्या थी, ए माइनस डी, तो 3 माइनस 2 1, सेकेंड टर्म क्या है ए यानी 3, थर्ड टर्म क्या है ए प्लस डी यानी 3 जमा 2 5, ऐसे वहां पर क्या बन जाएगा 5 3 और 1. तो दोस्तों ये हो गया. ठीक है, तो देखो ये सब कुछ 9.2 में कुछ आसान चीज़ें थी, कुछ आसान कॉन्सेप्ट थे. इसके बाद बेटा अर्थमेटिक मीन नाम की भी कुछ चीज़ है, और कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाले हैं. ठीक है, ये एपी का पहला पार्ट था, सेकंड पार्ट में मैं अच्छे क्वेश्चंस, एपी के जो बढ़िया वाले क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करवाऊंगा दोस्तों. ठीक है, तो चलिए अब हम सीधा मिलेंगे आपको, अब हम सीधा मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना भाई. ठीक है, कुछ अच्छा लगता है तो कमेंट वगैरह भी कर दिया करो. ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. और दोस्तों पढ़ाई के साथ साथ एक और जरूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ बांटना चाहूंगा कि हमारे YouTube पार्टनर अनअकैडमी के द्वारा हर संडे को एक ऑल इंडिया लेवल की चैंपियनशिप, एक ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसका नाम है अनअकैडमी असेंड. क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी बच्चे इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इस टेस्ट की जो कॉस्ट है भैया वो है 0, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है. आप लोगों के फायदे की चीज़ है, आप लोगों ने जितने भी पढ़ाई करी है आप खुद के लिए, खुद की असेसमेंट के लिए इस टेस्ट को दे सकते हैं. हर संडे को टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है, और संडे सुबह 11 बजे ये टेस्ट हम अनअकैडमी के द्वारा लिया जाता है. टेस्ट जैसे आपको ओवर हो जाता है तो उसके बाद तुरंत ही इंस्टेंटली आपको आपके मार्क्स भी पता चल जाते हैं, और उसके बाद सेम डे पर ही अनअकैडमी के द्वारा एक एनालिसिस क्लास आप लोगों के लिए
ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें कि आप लोगों को बताया जाता है कि किस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से किया जाना चाहिए था, किन क्वेश्चन में आपको कितना समय लगाना चाहिए। तो प्रॉपर पूरी डिटेल में हर एक क्वेश्चन को आपको समझाया जाता है। और साथ साथ मेरे दोस्तों, आने वाले नवंबर 28 और 29 तारीख को सुबह 10 बजे एक एक करियर क्विस्ट आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज की जा रही है। आप कह सकते हैं कि भैया एक करियर काउंसलिंग सेमिनार है। जीवन में आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, किस फील्ड में कम स्कोप है, कहाँ पर ज़्यादा स्कोप है, और किसी स्पेसिफिक फील्ड में जाने के लिए आपको किन कोर्सेज में खुद को एनरोल करवाना पड़ता है, तो इन सब चीज़ों की जो जानकारी है वो इस करियर क्विस्ट में आप लोगों को दी जाएगी। एक 2 दिन का सबमिट है भैया, और फ्री सबमिट है। आप सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को खुद को अनअकैडमी पर रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और उसके लिए जो लिंक है बच्चों वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। देखिए बच्चों, जैसी वीडियो को देखें तो भैया इस टेस्ट के लिए खुद को रजिस्टर करवा लेना, और ये जो करियर क्वेस्ट है इसमें भी आप खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं।